हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता शर्मा। आज हम बनाएंगे मैंगो बर्फ़ी। इस बर्फ़ी को आप आसानी से घर में बना सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक बर्फ़ी दिखाती हूँ तोड़कर। इसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा है। ये देखिए कटिंग भी बहुत आसानी से हो जाती है और इसकी शेप भी बहुत अच्छी आई है। आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बर्फ़ी को बनाना। ये देखिए, यहाँ पर हमने चार आम लिए हैं। आप इसे अच्छी तरीके से धो लेंगे, छीलेंगे और इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर इसे कट कर लिया है हमने। अब हम दूध लेंगे एक गिलास। अगर इसमें मलाई हो तो आप वो मलाई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक गिलास हमने इसमें दूध डालना है और इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड हमने कर लिया है। अब हम एक बर्तन लेंगे। मैं यहाँ पर कढ़ाई ले रही हूँ। अब इसे छलनी से इसे हम अच्छी तरीके से छान लेंगे। ये आसानी से छन जाएगा। इसमें कोई भी गांठ होगी तो वो हम इसमें से, ये देखिए, छानने से वो निकल जाएगी। ये देखिए, इसे हमने छान लिया है। गैस को हम ऑन कर लेंगे। अगर आप इसे कंटिन्यू चलाते हैं तो आप गैस को थोड़ा तेज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे मीडियम कर भी आप इसे पका सकते हैं। कंटिन्यू आप इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें चीनी डालेंगे। आप चीनी डाल सकते हैं या फिर आप इसको पीस कर भी चीनी को डाल सकते हैं। इस तरीके से भी आप इसे डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ बन चुका है। ये देखिए, अब हम इसमें कोकोनट पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे। यहाँ पर एक कटोरी मैंने कोकोनट पाउडर लिया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसे हमने मिक्स कर लिया। अब इलायची पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मैं मिल्क पाउडर ले रही हूँ। आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ऐसे मिक्स करेंगे ऊपर नीचे करते हुए। ये देखिए, इसे हमने मिक्स कर लिया है। ये डो बन चुका है एक अच्छी तरीके से, जिससे हम बर्फ़ी बना सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पर हम एक पेपर लेंगे। आप बटर पेपर भी ले सकते हैं या फिर इस तरीके से प्लेन पेपर ले सकते हैं। अब इसे हम ऑयल से या घी से आप इसे ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए, अब इस डो को हम इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए, पूरा शिफ्ट होने के बाद अब इसे हम स्प्रेड करेंगे, अच्छी तरीके से फैला लेंगे डिब्बे में। ये देखिए, ड्राई फ्रूट आप इसके अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसमें अपनी पसंद से डाल सकते हैं, कट कर छोटे छोटे। अब इसे आप कटोरी या ग्लास से इसे सेट कर लेंगे। ये यहाँ पर ये सेट हो चुका है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, ये टाइट हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे और अपनी मनपसंद इसमें पीसेस कट करेंगे। कोई भी शेप आप इसमें कट कर सकते हैं। छोटे बड़े पीस आप अपने हिसाब से करेंगे। ये देखिए, मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। ये आसानी से कट जाते हैं। ये देखिए, और फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, देखने में मार्केट जैसी दिखाई दे रही है और खाने में भी ऐसी ही लगेगी आपको, बहुत टेस्टी। ये देखिए, पीस कट हमने कर ली हैं। अब इसे हम प्लेट में शिफ्ट करेंगे। ये देखिए, कितनी आसानी से ये सभी पीस निकल रहे हैं इसमें से। ये देखिए, ये मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए, सभी को हम प्लेट में सेट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंगो बर्फ़ी बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए, और फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।